24 नवंबर 2022 एक ऐसी तारीख जो विश्व के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो चुकी है। जब पूरा भारत दिवाली पर्व की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक नागरिक ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जीतकर न ब्रिटेन का इतिहास बदल दिया बल्कि भारत का भी इतिहास उलट पुलट कर दिया। ब्रिटेन जिसने 300 सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, अब वहां पर भारतीय मूल का एक नागरिक ऋषि सुनक उस देश पर राज करेगा। आखिर कौन है ये ऋषि सुनक? कैसे ये आम से खास आदमी बन गए? कैसे इन्होंने ब्रिटेन और भारत दोनों का इतिहास बदल दिया? चलिए शुरू से जानते हैं। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। वे भारत के नागरिक तो नहीं है पर भारत मूल के जरूर है। उनके दादाजी पंजाब में रहते थे जो बाद में ईस्ट अफ्रीका में बस गए। केन्या में उनके पिता यशवीर सुनक और तांजानिया में उनकी माँ उषा सुनक का जन्म हुआ। ऋषि सुनक के पिता एक छोटे से डॉक्टर और माता एक छोटी सी फार्मेसी की दुकान चलाती थी, पर अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए बाद में वह इंग्लैंड में माइग्रेंट हो गए। आज ऋषि सुनक यूके के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। वह शुरू से इतने अमीर नहीं थे। वे कहते हैं इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उन्होंने और उनके माता पिता ने कड़ी मेहनत की थी। ऋषि सुनक बचपन में ही अपने माता की छोटी सी शॉप में काम किया करते थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यूके के विचेस्टर कॉलेज में हुई। यहाँ शिक्षा पूरी करने के बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फिलोसॉफी की पढ़ाई पूरी करने चले गए। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया, जहां उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई जो 2009 में शादी कर उनकी जीवन साथी बनी। अक्षता मूर्ति और कोई नहीं, भारत के IT सेक्टर इंफोसिस के जनक R.K. नारायण की बेटी है, जिन्हें IT का पितामह भी बोला जाता है। ऋषि सुनक ने 2001 से 2004 तक एक एनालिस्ट के तौर पर इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच में काम किया। ज्यादातर MBA होल्डर आपको शेयर मार्केट में ही मिलेंगे क्योंकि यह जल्दी और तेजी से पैसे कमाने का अच्छा साधन है, पर कड़ी मेहनत इसमें भी करनी पड़ती है। 2009 में अपने सहयोगी के साथ मिलकर फैमिली में एक पार्टनर के रूप में शामिल हुए, जो बाद में अक्टूबर 2010 में $700 मिलियन के साथ लॉन्च हुआ। भारत और ब्रिटेन का पार्लियामेंट भी काफी हद तक एक जैसा है। वहाँ पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं। वैसे तो वहाँ पर अनेक राजनीतिक पार्टी है, पर वहाँ की दो मुख्य पार्टी, पहली लेबर पार्टी जिसका गठन 1900 ईस्वी में हुआ और बाद में इसी पार्टी ने भारत को आजादी दी थी, और दूसरी पार्टी कंजर्वेशन पार्टी जिसका गठन 1834 में हुआ, और ऋषि सुनक इसी पार्टी को प्रदर्शित करते हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का सफर 2010 में बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने ब्रेग्जिट होना चाहिए का अभियान शुरू किया। ब्रेग्जिट का मतलब और कुछ नहीं, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर होना है। 2014 में ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुए और यहाँ से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, लेकिन यह अभी शुरुआत थी, इम्तिहान अभी बहुत बाकी थे। 2014 में रिचमोंड यॉर्क से 36.2% की दावेदारी हासिल कर वहाँ के MP बन गए, और बाद में उन्होंने ब्रेग्जिट फैसले में भी बोरिस जॉनसन का समर्थन किया। 2020 की शुरुआत में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और तब के वित्त मंत्री साजिद जावेद के बीच मतभेद चलने लगे, और आखिर में वित्त मंत्री साजिद जावेद को इस्तीफा देना ही पड़ा। तब वहाँ के वित्त मंत्री ऋषि सुनक बने। ब्रिटेन में वित्त मंत्री को चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। देश की आर्थिक जिम्मेदारी चांसलर की ही होती है, पर ऋषि सुनक ने इसे बखूबी से निभाया। उन्होंने अपने पहले ही बजट में ये घोषणा की कि सरकार देशवासियों के साथ है, और उन्होंने कंपनियों से कहा कि वह अपने कर्मचारियों को पेंडेमिक में छुट्टियों पर भेज दे जिसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने हर खराब परिस्थितियों में छोटे कारोबारियों का साथ निभाने का वादा किया, और उनकी यही बात लोगों के दिल में छा गई। वहां से शुरू हुई ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री होने की शुरुआत। मई 2020 में कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ड्रिंक्स पार्टी आयोजित की, जिस कारण बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव आने लगा। आखिर में उनकी कहानी का अंत इस्तीफा देके ही हुआ। ब्रिटेन एक ऐसा देश जिसने लगभग 300 सालों तक भारत को गुलामी की जंजीरों में बांधा रखा, अब आजादी के 75 सालों बाद भारत मूल का एक नागरिक ऋषि सुनक वहां पर राज करेगा। तो यह थी ऋषि सुनक की एक आम आदमी से प्रधानमंत्री बनने की कहानी। अगर आपको इसी तरह समय समय पर मोटिवेशन नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी जरूरी सूचना आपसे छूटे नहीं।